तो क्या क्वेश्चन है? Each of the 74 students in a class studies at least one of the three subjects H, E and P. तो तीन सर्कल लगा लेते हैं, एक सर्कल H के लिए, एक सर्कल E के लिए और एक सर्कल बेटा किसके लिए? P के लिए, ठीक है जी। और कम से कम एक सब्जेक्ट तो जरूर पढ़ते हैं वो, ठीक है। तो सारी वैल्यूज इन्हीं सातों पार्ट्स के अंदर ही कहीं ना कहीं है, एक दो तीन चार पांच छह सात, इन सातों पार्ट्स में कुछ ना कुछ वैल्यूज है, अब वो हमें पढ़ना है। एक चीज तो हमें याद रखी है, 10 बच्चे तो सभी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो सभी सब्जेक्ट पढ़ने वाले वैल्यू ये बिल्कुल यहाँ पे आ गई। ये वैल्यू कितनी है बताओ? 10। व्हाइल 20 स्टडी एच एंड ई बट नॉट पी, तो बेटा ये क्या है, इस बात का मतलब क्या है? एच एंड ई बट नॉट पी का मतलब क्या है? Only. तो ये यहाँ पे ये वैल्यू 20 है only. अगर H and E पूछा तो 20 plus 10 30 भी हो सकता है, वो हमें पूछा नहीं होगा। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है ना इस क्वेश्चन के अंदर, वो यही है जहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो गए, क्या एवरी स्टूडेंट हु स्टडीज P also studies H और E और both? जिस बंदे के पास P है ना, उसके पास पक्का या तो H है या E है या दोनों है, मतलब ओनली P जीरो है। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो अकेला सिर्फ P हो उसके पास, अगर P है ना तो उसके पास फिर पक्का क्या होगा बोलो? H भी होगा या फिर या E होगा या H होगी, दोनों में से कुछ ना कुछ होगा। बोलो ये बात आपको समझ आई या नहीं आई? ठीक है, तो ओनली P नाम की कोई चीज नहीं है, वो जीरो है ओनली। अब आगे बढ़ो, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग एच इक्वल्स दैट स्टडिंग ई, एच के पूरे सर्कल की वैल्यू ई के पूरे सर्कल की वैल्यू के बराबर, तो एच के पूरे सर्कल में 20 और 10 तो दो वैल्यूज हमें नजर आ रही है। कुछ पार्ट्स को मैं वेरिएबल्स दे देता हूं, कुछ ना कुछ, सपोज ओनली एच को मैंने वेरिएबल दे दिया एक्स, और ये बचा हुआ जो एच एंड बी ओनली है उसके वेरिएबल क्या रख दिया? वाई। तो पूरा एच किससे मिलकर बना? एक्स प्लस 20 प्लस 10 प्लस वाई। सिमिलरली जो ई का पूरा सर्कल है 20 और 10 तो आपको नजर आ ही रहा है, फिर मैंने कुछ भी वेरिएबल ले लिए, कोई भी जो बचे हुए हैं, ओनली ई को मैंने वेरिएबल दे दिया ए, ओनली ई एंड बी को मैंने जो वेरिएबल दे दिया वो दे दिया, ठीक है, कोई भी वेरिएबल आप दे सकते हो उससे कोई फर्क नहीं, ठीक है। अब इस बात को ध्यान से पढ़ो, जो एच का पूरा सर्कल है वो ई के पूरे सर्कल के बराबर है, वो इस लाइन से बता दो मतलब आप दोनों तरफ इक्वेट करोगे तो 20 और 10 तो दोनों जगह तो कट जाएगा, तो लॉजिकली हमें क्या पता लग गया? जो x plus y है बेटा वो a plus b के बराबर है, एक बात तो ये पता लगती है। दूसरी बात, इन सातों हिस्सों का सम इसके बराबर रखूं 74, क्योंकि कोई बच्चा ऐसा है नहीं जिसके पास इनके अलावा कुछ ना हो, मतलब कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जिनके पास तीनों में से कुछ ना हो, सारों के पास कुछ ना कुछ तो है, चाहे एच है चाहे ई है, ठीक है, चाहे दोनों है चाहे तीनों है, तो इन सबका सम एक्स प्लस वाई प्लस ए प्लस बी प्लस 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 74, ठीक है। तो x प्लस y प्लस a प्लस b की जो वैल्यू आ गई तो 74 में से 20 और 10 30 माइनस किया तो 42 आ गई। अब हमें ये भी पता x प्लस y a प्लस b के बराबर है, यानी कि x प्लस y भी 22 हो गया और a प्लस b भी 22 हो गया, है ना? क्या बोल रहा हूँ? x प्लस y भी 22 हुआ और a plus b भी क्या हुआ? 22 ही हुआ, a plus b क्या हुआ? अब पूछा क्या हुआ? Sir, number of students studying h के पूरे सर्कल की वैल्यू बतानी है आपको, h के पूरे सर्कल की वैल्यू बतानी है, तो 22 plus 20 42 plus 10 कितना हुआ? 52। यही हमारा आंसर हो गया। बोलो आपको समझ आ गया सब कुछ? अच्छे से बताओ।